हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इनका जो मैसेंजर है वो अभी भी ओल्ड वाला दिख रहा है। आइकॉन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको ओल्ड वाला नजर आएगा, अपडेटेड नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये भी जो है ना किसी को भी स्विप अप या फिर रिप्लाई वाला ऑप्शन इनकी आईडी में नहीं दिख रहा है। तो इसे आपने कैसे अपडेट करना है, मैसेंजर वाले आइकॉन को कैसे आप अपडेट करोगे जिससे कि आप में भी रिप्लाई या फिर स्विप अप वाला जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना, एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनकी आईडी आप देख सकते हो, Sony_KR2023, ये इनकी आईडी है। ठीक है, आप इनकी आईडी को ध्यान में रखना। मैं लास्ट में भी आपको दोबारा से इनकी आईडी दिखाऊंगा। और ये जो मैसेंजर अपडेट वाला जो आइकॉन आपको नजर आ रहा है, ये वाला आप देख सकते हो, इसे भी हम लोग अपडेट कर देंगे। ये बेहद आसान है दोस्तों, आप खुद से भी इसे अपडेट कर सकते हो। लेकिन कैसे, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो उनमें अपडेट नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हैं लेकिन इसके बाद भी उनके आईडी में ये मैसेंजर जो अपडेट है नहीं हो पाया। तो ये कैसे करना है, स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो स्टेप्स को आपने पूरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है भाई अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। सब कुछ आप ट्राई कर चुके हो फिर भी नहीं हुआ, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, एक बार फिर से कंटिन्यू, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पर वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो, म्यूजिशियन सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लॉगर क्लस्ट कर सकते हो, या फिर डिजिटल क्रिएटर, कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं अमूमन जो है वीडियो क्रिएटर वाला ही ऑप्शन अनेबल करता हूँ, उसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, क्रिएटर और बिजनेस। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। और अभी आप यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है मैसेंजर अपडेट वाला जो आइकॉन है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप अपडेटेड रहोगे तभी आपको इंस्टाग्राम की तरफ से न्यू जो फीचर्स होंगे वो मिलते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो अकाउंट है वो एक वीडियो क्रिएटर मतलब प्रोफेशनल क्रिएटर आईडी बन जाएगी आपकी। यहाँ पर आप देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड नजर आ रहा है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इस तरीके से आपने अपने अकाउंट को एक क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना, जैसा कि यहाँ पे मैंने कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप बैक आओ। अभी भी हमारा जो आइकॉन है वो अभी भी ओल्ड नजर आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप है भाई, आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करो। क्योंकि काफी सारे लोगों का मैंने देखा है कि वो बहुत दिनों से इंस्टाग्राम यूज तो कर रहे हैं बट वो उसे अपडेट नहीं करते। अपडेट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बोलते हैं भाई अगर मैं अपडेट किया तो उनका डेटा लॉस हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप एप्लीकेशन को अपडेट करते हो तो उससे आपका कोई डेटा लॉस नहीं होता है। और आपको हमेशा इंस्टाग्राम जो है वो अपडेटेड ही रखना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हमेशा कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। तो जब तक ये अपडेट होता है तब तक आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पर सबसे पहले देने की कोशिश की जाती है। और जो अब वीडियोज होती है हमारी वो ऑथेंटिक होती है। देख सकते हो ये अपडेट हो गया है। तो अब अपडेट होने के बाद हम लोग इसे ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मैसेंजर अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो भाई साहब, लाइव मैंने यहां पर आपको दिखा दिया कि बहुत आसान है इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। 99% लोगों का जो इशू है ऐसे ही रिजॉल्व हो जाता है। आप सिंपली आप अपडेट करो, क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करो अपने अकाउंट को और उसके बाद इसे अपडेट करो, ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। बट 1% लोग हैं जिनका अकाउंट ये फिर भी ये इशू है वो रिजॉल्व नहीं होता है। तो अब उनके लिए क्या करना है भाई, तीसरा स्टेप जो उनके लिए है, जो ये प्रोसेस करने के बाद भी उनमें ये मैसेंजर अपडेट नहीं हुआ, तो उनके लिए क्या करना है, उनको क्या करना है क्या भाई, 3 डॉट पे क्लिक करना, सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का, आप इसे ऑफ कर देना सेक वाला और रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना।
बहुत सिंपल है, इंक्लूड करना, इंक्लूड बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूड करने से क्या होगा ना कि आप इंस्टाग्राम टीम को बता पाते हो कि मैं इस डिवाइस में अपने इस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इससे एक चीज और आपको बेनिफिट मिलता है कि कभी बाय चांस आपका अकाउंट डिसेबल हो गया, हैक हो गया, तो उस वक्त भी ये आपकी हेल्प कर पाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करना है। तो स्क्रीनशॉट वो अटैच करना है जहां पर आपको अपडेटेड आइकॉन नजर ना आ रहा हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट अटैच करना, और फिर यहाँ पर आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप इसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेना, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको इसे सिंपली सेंड कर देना। तो मैं यहाँ पे सेंड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे अकाउंट में ये फीचर्स अभी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर सेंड नहीं कर रहा। आपको ये करना है, सेंड कर देना है। ये तीसरी चीज भी, अगर सेंड करने के बाद आपके 24 आवर्स के अंदर फिर भी ये प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होती है, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक चौथी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको एक ऐसा अकाउंट ढूंढना है, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट ढूंढना है जिसमें ये फीचर्स था, चाहे वो आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का अकाउंट हो सकता है, और उस अकाउंट को आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करोगे और लॉगिन करके अपने अकाउंट को स्विच कर देना। लॉगिन कैसे करोगे, यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स में आओगे, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको मिलेगा ऐड और स्विच अकाउंट का ऑप्शन, और यहाँ पर आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको भाई साहब उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, उस अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है जिसमें मैसेंजर अपडेटेड है, ठीक है। उसमें पहले से अपडेटेड मैसेंजर हो, उस अकाउंट को लॉगिन कर लेना, और दो तीन बार आपको स्विच करना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, वो भी आपने करना है। थोड़ी देर के लिए उस अकाउंट को अपने मोबाइल में लॉगिन करके रखना, फिर अपने मोबाइल अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाना। चौथी चीज तो ये है। पांचवी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवी चीज भी है जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। उसके लिए क्या है कि भाई आप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर जो भी आप यूज करते हो वहां पे जाके आपको फेसबुक मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर आपको यूज करना है। मैसेंजर मतलब यूज नहीं करना, बस आपने मैसेंजर को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके नहीं रखा क्योंकि मेरे में ये फीचर्स अभी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, मैसेंजर को इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना, और फिर आपको अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसे फेसबुक के साथ, सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे आपको फेसबुक के साथ लिंक करना है। फेसबुक के साथ उसे लिंक कैसे करोगे, यहाँ पे देखो प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे, उसके बाद थ्री डॉट पे जाना, सेटिंग्स में जाना, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट्स का, अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट शेयरिंग टू अदर्स एप्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ से आप अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पर लिंक कर देना। बहुत सिंपल है, ये 5-6 स्टेप है दोस्तों, इनको फॉलो करो, इनके बाद आप में भी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, जो कि काफी सारे लोगों की ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसी तरीके से मैंने फिक्स किया है। आप भी करो, आपके भी अकाउंट में ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, और जैसे ही मैसेंजर अपडेट होगा आपके अकाउंट में भी स्विप अप और रिप्लाई वाला ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।